Next question from computer architecture and organization. On receiving an interrupt from a IO device, the CPU does what? तो CPU IO device से कोई interrupt receive करने के बाद में पहला काम क्या करेगा? Halts for a predetermined time. Okay. So अगर किसी CPU के पास में किसी IO device ने interrupt किया, let's say यहाँ पे आपके IO devices हैं और ये interrupt line के through CPU को interrupt करेंगे. Okay. ये है आपकी INTR line और इसके through CPU acknowledge करेगा. Okay. Interrupt acknowledge. तो CPU अगर कोई instruction execute कर रहा है तो CPU क्या करेगा, पहले CPU जो instruction execute कर रहा था उसको complete करेगा. Okay. CPU बीच में instruction को नहीं छोड़ेगा. CPU जैसे instruction execute कर रहा था और कोई interrupt आया तो CPU पहले जो currently execution जो instruction currently execute कर रहा है उसको complete करेगा, उसके बाद में उस interrupt को acknowledge करेगा. Acknowledge करने का मतलब क्या है कि अब इसको एक interrupt service routine execute करना है. तो उससे पहले क्या करेगा, जो currently program execute कर रहा था उसका program counter की value store करेगा, उसके registers की value store करेगा, यानी कि पूरा context switch करेगा, सारी की सारी values store करेगा. उसके बाद में interrupt service routine का base address load करेगा और interrupt service routine को execute करना start कर देगा. इसको बोलते हैं interrupt को acknowledge करना. तो हर एक interrupt के लिए एक interrupt service routine होगा. तो जब भी कोई interrupt आएगा CPU उसका corresponding interrupt service routine execute करेगा. तो ये कह रहा है कि halt for a predetermined time, no. Hands over control of address bus and data bus to the interrupting device? No, not actually. Branch off to the interrupt service routine immediately? Not immediately, actually branch off to the interrupt service routine after completion of the current instruction. Okay, ये सही answer है. पहले जो instruction execute कर रहा है वो complete करेगा, उसके बाद में branch करेगा interrupt service routine के. क्योंकि जब interrupt आया तो interrupt को acknowledge भी करना है. तो interrupt acknowledge करने का मतलब ये है कि उस interrupt के लिए एक interrupt service routine है, ISR. एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है और जो मेमोरी की कुछ लोकेशंस पे स्टोर्ड है, मेन मेमोरी के अंदर हमेशा रहेगा वो. तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, लेकिन पहले जो इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उसको कंप्लीट करने के बाद में. सो डी इज द राइट आंसर. द करेक्ट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स इज वॉट. DMA क्या है, कैश मेमोरी क्या है, इंटरप्ट IO एंड कंडीशन कोड रजिस्टर्स. तो हमें पता है कि कैश मेमोरी क्या है, हाई स्पीड रैम. कैश मेमोरी एक स्टैटिक रैम है और स्टैटिक रैम एक हाई स्पीड रैम है जो कि फ्लिप फ्लॉप्स एंड ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बनी है. DMA रिलेटेड है डिस्क से. ओके. DMA IO डिस्क से रिलेटेड है क्योंकि DMA डिस्क पे काम करता है. डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफर करना या फिर मेन मेमोरी से डिस्क के अंदर डेटा ट्रांसफर करना, इस काम को करता है DMA. इंटरप्ट IO कंडीशन कोड रजिस्टर्स. कंडीशन कोड रजिस्टर्स आर रिलेटेड टू ALU एंड इंटरप्ट IO इज रिलेटेड टू प्रिंटर. सो ये सब मैचिंग से, यानी कि A इज मैचिंग विद 2 एंड B इज मैचिंग विद 1, C इज मैचिंग विद 3 एंड D इज मैचिंग विद 4. सो दैट इज 2 1 3 4. 2 1 3 4, दैट इज B इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ CPU हैज 24-bit instructions. अ प्रोग्राम स्टार्ट्स एट एड्रेस 300. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल प्रोग्राम काउंटर. सो आपके पास में एक CPU है जिसमें 24-bit का इंस्ट्रक्शन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रक्शन साइज है 24-bit या फिर आप कह सकते हो 3 bytes. ओके. 3 byte का इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम जो है वो 300 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर ये प्रोग्राम है आपका और 300 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये कितनी लोकेशन लेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 3 byte का है तो 3 लोकेशन लेगा. 301, 302, ये 3 लोकेशन इस इंस्ट्रक्शन की होगी, इंस्ट्रक्शन I1 की. ठीक है. अब जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन I1 जो है वो 3 byte का, हर एक इंस्ट्रक्शन 3 bytes का, यानी कि 3 bytes लेगा मेमोरी के अंदर, एक इंस्ट्रक्शन 3 bytes लेगा. तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ये लोकेशन 303 है तो प्रोग्राम काउंटर आपका यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि अगला इंस्ट्रक्शन जो है वो अगली 3 locations पे होगा, I2, I2 एंड I2, लाइक दिस. अब अगली 3 locations जो होगी वो अगले इंस्ट्रक्शन के लिए होगी. तो जब इंस्ट्रक्शन I2 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ होगा, यहाँ पर 306 पर. तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, पहली 303, 306, ओके, फिर 309. तो इस तरह से जो आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल में ही हो सकती है. 3 के मल्टीपल में क्यों, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन 3 byte ले रहा है. तो जब I1 एग्जीक्यूट हो रहा है हमें हमेशा, और हमें एक चीज़ पता है कि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को
पॉइंट करता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। तो जब इंस्ट्रक्शन आई वन एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? 303 पे। ओके, क्योंकि ये तीन लोकेशन इस इंस्ट्रक्शन के लिए है। तो अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा? 303 पे मिलेगा। फिर उसके बाद में अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा? 306 पे मिलेगा। इसी तरह जो इनमें से कौन सी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर की वैलिड वैल्यू होगी, ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। ओके, लीगल प्रोग्राम काउंटर वैल्यू वही हो सकती है जो तीन से डिविजिबल हो। ओके, तीन से डिविजिबल हो, दैट इज 600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में जो आपकी कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए हम दो तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। या तो आप हार्डवेयर से कंट्रोल यूनिट बनाओ, यानी कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो कि एक कुछ सर्किट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, या फिर माइक्रो प्रोग्राम्ड, यानी कि एक रोम के अंदर एक आपके पास में माइक्रो प्रोग्राम है जो कंट्रोल सिग्नल आपको जनरेट करके देगा। अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है वो दो तरह की है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो इंस्ट्रक्शंस जो आपके कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो इनकोडेड फॉर्म में है। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स आर इनकोडेड। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक डिकोडर चाहिए होगा, इसमें हमें एक डिकोडर चाहिए होता है। इसका इनकोडेड का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स 64 है तो कंट्रोल सिग्नल में आपकी 6 बिट होगी, यानी कि जो कंट्रोल वर्ड होगा कंट्रोल वर्ड में कंट्रोल सिग्नल के फील्ड में 6 बिट्स आएंगी। और हॉरिजॉन्टल में डिकोडेड फॉर्म में होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कि अगर आपके पास में कंट्रोल सिग्नल 64 है तो 64 बिट ही चाहिए होगी कंट्रोल वर्ड में उनको स्टोर करने के लिए, किसी डिकोडर की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ सिग्नल डिकोडर्स, ये ट्रू है। रिजल्ट इन लार्जर साइज माइक्रोस्ट्रक्चर देन वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि लेट से ये कंट्रोल वर्ड है और कंट्रोल वर्ड के अंदर दो तीन चीज़ें होती है, जैसे कि फ्लैग कंडीशंस, कंट्रोल सिग्नल्स, नेक्स्ट एड्रेस, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट एड्रेस हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ कंट्रोल वर्ड से, कंट्रोल मेमोरी से। कंट्रोल सिग्नल वाला जो फील्ड है ये इंपॉर्टेंट है। लेट से फ्लैग कंडीशन जो है वो 6 है। ओके, फ्लैग कंडीशन लेट से 64 है तो यहाँ पे 6 बिट्स आएंगी। लेट से कंट्रोल सिग्नल्स आपके हैं 128, तो अगर मैं बात करूँ वर्टिकल की तो वर्टिकल में इनकोडेड फॉर्म में कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, यानी कि यहाँ पे 7 बिट्स आएंगे। और यहाँ पे लेट से जो आपकी कंट्रोल मेमोरी का साइज है वो 256 वर्ड्स है, यानी कि यहाँ पे 8 बिट्स आएंगी। तो कंट्रोल वर्ड का साइज हुआ 7 + 6 = 13, 13 + 8 = 21 बिट्स। 21 बिट का कंट्रोल वर्ड है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग के केस में। अगर इसी को मैं हॉरिजॉन्टल के थ्रू करता हूँ तो क्या होगा, 6 बिट का फ्लैग, ये सब दोनों चीज़ सेम रहेगी, नेक्स्ट एड्रेस भी एंड फ्लैग कंडीशन भी। लेकिन कंट्रोल सिग्नल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है और डिकोडेड फॉर्म में है, तो यानी कि जितने कंट्रोल सिग्नल होंगे उतनी ही बिट्स चाहिए होंगी यहाँ पे, यानी कि 128 बिट्स। इसमें क्या करते हैं, 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल, तो जितने कंट्रोल सिग्नल उतनी ही बिट चाहिए होगी क्योंकि डिकोडेड फॉर्म में है। तो कंट्रोल वर्ड का जो साइज होगा वो होगा आपका यहाँ पे 8 + 6 = 14, 14 + 128 दैट इज 142 बिट्स। तो कंट्रोल वर्ड का साइज यहाँ पे ज़्यादा हुआ क्योंकि वर्टिकल में 21 बिट्स ही था, लेकिन यहाँ पे 128 बिट्स है, 142 बिट्स है। तो रिजल्ट्स इन लार्जर साइज्ड माइक्रोस्ट्रक्चर्स देन वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम, ये भी ट्रू है। यूजेस 1 बिट फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल, ये भी सही है। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोसेसर हैज 125 कंट्रोल सिग्नल्स, तो आपके पास में नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स है 125। अब ये कह रहा है कि विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, आपने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और ग्रुप्स जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब ये है कि उनमें से एक बार में एक ही कंट्रोल सिग्नल यूज हो रहा होगा। ओके, सब के सब एक साथ यूज नहीं हो रहे होंगे। तो ग्रुप 1 है आपका और ग्रुप 1 में 20 कंट्रोल सिग्नल्स हैं। उसके बाद में ग्रुप 2 है जिसमें 70 कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ग्रुप 3 में 2 कंट्रोल सिग्नल्स हैं एंड ग्रुप 4 में 10 कंट्रोल सिग्नल्स हैं एंड ग्रुप 5 23 कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, ये आपके टोटल 125 कंट्रोल सिग्नल्स हैं। हाउ मेनी बिट्स ऑफ द कंट्रोल वर्ड्स कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग ओवर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग? तो मैंने जैसे अभी बताया कि वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में जो कंट्रोल वर्ड है वो डिकोडेड फॉर्म में होगा। ओके, जो आपका जो आपके कंट्रोल सिग्नल्स है वो इनकोडेड फॉर्म में होंगे वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम
तो अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो ग्रुप वन के लिए कितनी बिट्स चाहिए मुझे, इनकोडेड फॉर्म में होंगे, क्योंकि इनकोडेड फॉर्म में होंगे तो ग्रुप वन में 20 कंट्रोल सिग्नल्स है, और 20 कंट्रोल सिग्नल्स को मैं कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5 बिट्स में, ओके, अगर 4 बिट में करूँगा तो 16 ही हो सकते हैं। ग्रुप टू के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 7 बिट्स चाहिए। ग्रुप थ्री के लिए 1 बिट चाहिए, ओके, या तो 0 या 1, क्योंकि 2 कंट्रोल सिग्नल्स हैं। और इस ग्रुप फोर के लिए 4 बिट्स चाहिए, क्योंकि 10 है, और इसके लिए 5 बिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कंट्रोल सिंग टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन केस ऑफ वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग मुझे चाहिए होगी 5 + 7 = 12 + 1 = 13 and 4 = 17 + 22, ओके, टोटल 22 बिट्स। लेकिन अगर ये यही हॉरिजॉन्टल हुआ तो जितने कंट्रोल सिग्नल से उतनी बिट्स चाहिए होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग में 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, 125। तो आपने कितनी बिट्स बचाई, 125 - 22, दैट इज 103 बिट्स आपने बचाई। यही पूछ रहा है कि अगर आप वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करो इन प्लेस ऑफ हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग तो कितनी बिट आप बचा सकते हो, क्योंकि इसमें 125 लग रही है और वर्टिकल पर टोटल 22 ही लग रही है, तो टोटल बची कितनी, 103 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। तो आपके पास में कुछ माइक्रो ऑपरेशन है इस तरह से, MBR में PC के अंदर जो वैल्यू है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद में MAR के अंदर कुछ लोड कर रहे हैं X, देन प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक नई वैल्यू लोड कर रहे हैं, देन मेमोरी के अंदर MBR। तो ये पूछ रहा है कि ये हो क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस सिक्वेंस, ओके, ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फैच का कंट्रोल सिग्नल ये नहीं होता। एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन फैच में हम क्या करते हैं, इनिशियली जो एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शन का वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा, वो एड्रेस आप दोगे MAR को, ओके, उसके बाद में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे, फिर जो वैल्यू MAR के अंदर है उससे कुछ रीड करोगे, यानी कि उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे और उसको MBR के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, फिर जो MBR के अंदर आपने रीड किया है मेमोरी से उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन फैच की कंट्रोल सिग्नल से, तो ये अलग चीज़ें हैं दोनों, तो ये तो नहीं है, ऑपरेंड फैच का भी नहीं है। कंडीशनल ब्रांच, तो कंडीशनल ब्रांच हो सकता है मे बी, लेट्स से कंडीशनल ब्रांच में हम क्या करते हैं, कंडीशनल ब्रांच में हम एक रैंडम वैल्यू पे ब्रांच कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस, इंटरप्ट सर्विस के केस में हम क्या करते हैं, इंटरप्ट सर्विस में हम ये करते हैं कि जो पहले मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि मुझे अब क्या करना है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करना है, तो CPU क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन जो अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर, फिर एक नई प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ओके, प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक नई वैल्यू को लोड करेगा, क्योंकि अब बेस एड्रेस लोड करेगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का, तो जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है उसका बेस एड्रेस आप प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है मेमोरी के अंदर, आपने क्या करा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू थी वो एक डेटा बस पे डाल दी, क्योंकि मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेमोरी डेटा बस से, तो आपने डेटा बस के ऊपर कंटेंट डाल दिए, और MAR जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जो डायरेक्ट एड्रेस बस से कनेक्टेड है उसके अंदर एक एड्रेस डाल दिया। मतलब क्या है कि अब आप ये कह रहे हो कि इस एड्रेस पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टोर कर दो मेमोरी के अंदर, तो आपने क्या करा, जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया और प्रोग्राम काउंटर को लोड किया एक नई वैल्यू के साथ में Y। अब ये Y क्या है, बेस एड्रेस है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का, क्योंकि आपको इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करना है तो उसका बेस एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड करना होगा, फिर MBR के अंदर जो वैल्यू थी वो फाइनली मेमोरी में स्टोर हो गई, ठीक है, ये 3 साइकिल्स लगी। तो ये कुछ और नहीं है, ये इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन ऐसे ही इनिशिएट करते हैं, जब कोई CPU कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और एकदम से इंटरप्ट आया तो CPU पहले उस प्रोग्राम को सेव करता है जो पहले एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर उसके बाद में इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पाइपलाइनिंग, एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट।
The five instructions in a certain instruction sequence needs these stages for the different number of clock cycles as shown by the below. तो एक pipeline है जिसमें चार stages हैं और आपके पास में पांच instructions हैं और हर एक instruction अलग अलग stages में अलग अलग cycles ले रहा है, यानी कि क्या है, instruction I1 जो है वो एक cycle में fetch में एक cycle ले रहा है, decode में दो cycle, execution में एक cycle और write back में एक cycle. तो आपको बताना है कि find the number of clock cycles needed to perform the five instructions. इन पांच instructions को execute करने के लिए कितना clock cycles चाहिए होगी. तो उसके लिए आपको time space diagram बनाना पड़ेगा इस तरह से. ओके, तो पहले I1 आया, I1 ने एक cycle के लिए fetch किया, यानी कि fetch में एक cycle लग रही है, decode में दो cycle लग रही है, like this, execution में एक cycle and write back में एक cycle. फिर I2 आया, I2 को दो साइकिल, एक साइकिल के लिए फेच करना है, यहाँ पे फेच करेगा, अब दो साइकिल के लिए डिकोड करना है. तो आप यहाँ पे डिकोड नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी I1 डिकोड कर रहा है इंस्ट्रक्शन, तो डिकोडिंग यूनिट जो है वो बिजी है. यहाँ पे आप डिकोड करना स्टार्ट कर सकते हो. दो साइकिल के लिए डिकोड किया आपने, उसके बाद में दो साइकिल के लिए एग्जीक्यूट किया I2 को, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, और उसके बाद में एक साइकिल के लिए राइट. फिर I3 आया, I3 को दो साइकिल में फेच करना है. तो आप यहाँ पे फेच नहीं कर सकते हो, यहाँ पे फेच नहीं कर सकते हो, आप फेच कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेचिंग यूनिट जो है वो बिजी है, मेमोरी बिजी है. फेच आप कहाँ से करते हो, मेमोरी से, तो यहाँ पे मेमोरी बिजी है इसलिए आप यहाँ से फेच करना स्टार्ट करोगे. दो साइकिल में आप फेच करोगे, ठीक है. उसके बाद में एक साइकिल के लिए डिकोड करोगे, यहाँ पे डिकोड नहीं कर सकते क्योंकि डिकोडिंग यूनिट बिजी है, यहाँ पे I2 डिकोड कर रहा है. तो आप यहाँ से डिकोड करना स्टार्ट करोगे. फिर एग्जीक्यूशन के लिए तीन साइकिल, यहाँ पे CPU बिजी है तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ये फ्री साइकिल जाएगी. यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो तीन साइकिल के लिए, क्योंकि I3 को तीन साइकिल में एग्जीक्यूट करना है, लाइक दिस. और फिर फाइनली राइट बैक एक साइकिल, एक्चुअली दो साइकिल के लिए. उसके बाद में इंस्ट्रक्शन I4 आया, 1321, यानी कि फैच करोगे यहाँ पे, यहाँ पे फैच किया. फिर तीन साइकिल के लिए डिकोड करना है, तो यहाँ पे तो डिकोड नहीं कर सकते, यहाँ पे डिकोड करना स्टार्ट कर सकते हैं. तीन साइकिल के लिए डिकोड किया, फिर दो साइकिल के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं आ सकता. यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया. उसके बाद में एक साइकिल के लिए राइट, और यहाँ पे राइट ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया. फिर I5 आया, जिसमें 1212 करना है आपको, यानी कि एक साइकिल के लिए फैच करना है, यहाँ पे फैच होगा. उसके बाद में दो साइकिल के लिए डिकोड होगा, तो यहाँ पे डिकोड नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक आप डिकोड नहीं कर सकते क्योंकि डिकोडिंग यूनिट जो है वो बिजी है, डिकोड के ऊपर डिकोड नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे आप डिकोड कर सकते हो और यहाँ पे डिकोड कर सकते हो. फिर एक साइकिल के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और फिर दो साइकिल के लिए राइट, यानी कि एक साइकिल यहाँ पे और एक साइकिल यहाँ पे. नंबर ऑफ साइकिल फाइंड आउट करनी है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. तो टोटल आपको कितने साइकिल चाहिए, 15 साइकिल्स. ओके, तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 15 साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी. तो ये सिंपली आप डायग्राम बना के देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फोर स्टेज पाइपलाइन हैज द स्टेज डिलेज 150, 120, 160 एंड 140 नैनो सेकेंड्स. ये आपकी स्टेज के डिलेज है, यानी कि आपके पास में चार स्टेज हैं और हर एक स्टेज में अलग अलग टाइम लग रहा है. रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड बिटवीन द स्टेजेस हैव अ डिले ऑफ 5 नैनो सेकेंड्स. मतलब कैसे हैं, ये आपके पास में पहली स्टेज है, स्टेज वन, और इसमें टाइम लग रहा है 150 नैनो सेकेंड्स. फिर एक स्टेज है, एक आपके पास में रजिस्टर है, वो रजिस्टर टाइम लग रहा है 5 नैनो सेकेंड. इसी तरह से सेकेंड स्टेज है, उस स्टेज में आपको टाइम लग रहा है 120 नैनो सेकेंड्स, और उसके बाद भी एक रजिस्टर लगा, यानी कि हर एक स्टेज के बाद भी एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 5 नैनो सेकेंड ले रहा है स्टोर करने के रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए. फिर स्टेज थ्री है जो 160 नैनो सेकेंड ले रहा है, और एक रजिस्टर है जिसमें आप इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर रहे हो. तो लाइक दिस आपके पास में चार स्टेजेज हैं 140 नैनो सेकेंड्स. अब ये पूछ रहा है, एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट क्लॉक रेट द टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस 1000 डेटा आइटम्स. तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है पाइपलाइनिंग के लिए, जो इसमें पाइपलाइनिंग टाइम निकालने के लिए, दैट इज के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी
दैट इज पाइपलाइनिंग टाइम. तो एग्जीक्यूशन टाइम इन केस ऑफ पाइपलाइनिंग इज के इज नंबर ऑफ स्टेजेस. ओके, याद रखना के इज नंबर ऑफ स्टेजेस एंड एन इज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इसमें दिए गए हैं 1000. और टीपी कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपके पास में सारी की सारी स्टेजेस अलग अलग टाइम ले रही है तो मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम ऑफ स्टेज डिलेज दैट इज 160, मैक्सिमम ऑफ 160, 150, 120 एंड 140 प्लस रजिस्टर डिले. तो इसका मैक्सिमम है 160, रजिस्टर डिले है 5, तो टीपी हो गया 165. आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है, के नंबर ऑफ स्टेजेस 4 हैं, नंबर ऑफ डेटा आइटम्स 1000 हैं, 1000 इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करने हैं, माइनस 1 इंटू टीपी है 165, सो इट विल बिकम 1003 इंटू 165. ओके, सो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर. सो इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आएगा आपके पास में 165495. ओके, ये आपका आएगा क्योंकि जो टाइम है वो नैनो सेकंड में दिया हुआ है और आंसर जो है माइक्रो सेकंड में दिए हुए, तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे. 1000 से डिवाइड करने के बाद में ये माइक्रो सेकंड में आ जाएगा 165.495 माइक्रो सेकंड्स. ओके, तो इसको आप राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हो, 165.5. तो सी इज द राइट आंसर, दिस इज 165.5 माइक्रो सेकंड्स. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मोर देन वन मे बी करेक्ट एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स ओनली. द साइज ऑफ द एड्रेस स्पेस इन ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इज लिमिटेड बाय व्हाट? ओके, साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम. तो एक सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी के साइज पे कौन रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, किसके कौन उसको लिमिट कर सकता है? पहली चीज हमें पता है कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो पार्ट है किसका, हार्ड डिस्क का, पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. तो डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी मेमोरी कितनी बड़ी है. अगर सेकेंडरी मेमोरी बहुत छोटी है तो वर्चुअल मेमोरी भी छोटी होगी. जितनी ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल है उतनी ज़्यादा वर्चुअल मेमोरी आप क्रिएट कर सकते हो. तो पहली चीज़ द अवेलेबल सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है वर्चुअल मेमोरी. ओके, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकते हैं, नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक तो सही हमें मिल ही गया है कम से कम. अब द लेंथ ऑफ द MAR, इस पर भी डिपेंड करेगा MAR क्या है. MAR है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. तो CPU जो भी एड्रेस जनरेट करेगा वो एड्रेस कहाँ जाएगा? CPU ने अगर लेट से एड्रेस जनरेट किया तो वो MAR के अंदर हम रखते हैं. CPU जो भी एड्रेस जनरेट करेगा वो MAR के अंदर रखेंगे. तो जो MAR का साइज होगा CPU भी उतने ही साइज का एड्रेस जनरेट कर सकता है. और हमें पता है कि CPU जो है वो हमेशा वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है. CPU करता है वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है. तो वर्चुअल एड्रेस का जो साइज होगा वो भी MAR के रजिस्टर के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर MAR का रजिस्टर लेट से 16 बिट का है तो वर्चुअल एड्रेस भी 16 बिट का होगा. तो इसलिए जो आपका MAR रजिस्टर है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको वर्चुअल एड्रेस जनरेट करते ही MAR के अंदर रखना है, क्योंकि MAR ही ऐसा रजिस्टर है जो मेमोरी के एड्रेस लाइन से कनेक्टेड है. तो जितना साइज MAR का, जितनी लेंथ MAR रजिस्टर की होगी उतनी ही एड्रेस की होनी चाहिए. तो एड्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा साइज. अगर एड्रेस 16 बिट का है, वर्चुअल एड्रेस अगर 16 बिट का है तो मेमोरी कितनी होगी, वर्चुअल मेमोरी होगी 2 to the power 16 बाइट्स. तो MAR के ऊपर डिपेंड कर रहा है वर्चुअल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है वर्चुअल मेमोरी, इसलिए ए भी सही है. तो ए एंड बी दोनों इफेक्ट करेंगे वर्चुअल मेमोरी के साइज पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Unless enabled, a CPU will not be able to process interrupts. Loop instructions cannot be interrupted till they complete. ये false है. A processor checks for interrupt before executing a new instruction. This is false. Actually, CPU जो है वो instruction को execute करने के बाद interrupt को check करता है, ना कि पहले. क्योंकि interrupt cycle कैसे है, जो आपकी instruction cycle है वो ऐसे है, instruction fetch करो, उसके बाद में execute करो और लास्ट में इंटरप्ट चेक करना है. ओके, चेक फॉर इंटरप्ट, ठीक है. अगर इंटरप्ट आया तो आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करोगे, इंटरप्ट नहीं आया तो फिर से इंस्ट्रक्शन फैच डिकोड एग्जीक्यूट राइट लाइक दिस.
Only level triggered interrupts are possible on microprocessor. This is also false. So is the right answer. जब तक आप enable ना कर दो, CPU जो है interrupt को को process नहीं कर पाएगा. Unless enabled, a CPU will not be able to process interrupts. अब अगला instruction है, अगला question है, moving process from main memory to disk is called what? तो जब आप memory को, जब किसी process को load करते हो, initially program कहाँ है? इनिशियली आपका प्रोग्राम लेट्स से abc.exe हार्ड डिस्क के अंदर है, ठीक है, यह है आपकी हार्ड डिस्क और यह है रैम. तो जब आप प्रोग्राम को लोड करते हो, आप लोड करते हो मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है, जब इस आप प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से उठा के रैम के अंदर लेके जाते हो, उसको बोलते हैं लोडिंग. और जब कोई प्रोग्राम, कोई पेज, किसी प्रोसेस का कोई पेज लेट्स से वो यूज़ नहीं हो रहा है, उसको वापस आपको हार्ड डिस्क के अंदर भेजना है, उसको बोलते हैं स्वैप आउट और उसको बोलते हैं स्वैप इन. जब हार्ड डिस्क से रैम के अंदर कुछ ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं स्वैप इन, और जब रैम से हार्ड डिस्क में कुछ डालते हैं उसको बोलते हैं स्वैप आउट. तो ये कह रहा है कि मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, मेन मेमोरी से अगर डिस्क में जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, स्वैप आउट या स्वैप इन, दैट इज स्वैप इन. ओके, फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क. ओके, सो दिस इज आई थिंक आई रोट इट. सो दिस इज अदर वे अराउंड, दिस इज स्वैप आउट एंड दिस इज स्वैप इन. जब आप कुछ हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज स्वैप इन, और जब कुछ आप रैम से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज स्वैप इन, और जब हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज स्वैप आउट. द प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाइज द यूज ऑफ कैश मेमोरी. सो हम इसकी पहले ही बात कर चुके हैं, जो लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस है वो कैश मेमोरी से रिलेटेड है. So, so we have completed the computer architecture series. Hope you enjoyed this series. So we will meet in the next series, that will be DBMS. So now we will solve 200 questions on DBMS. So we have completed operating system 200 MCQs and computer architecture and organization 200 MCQs. I hope these MCQs are helping you to prepare for DSSB. So let's meet in the new video series of DBMS.